नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लिनिकल गुरु में। मैं आपका दोस्त चेतन। आज हम बायोकेमिस्ट्री जो मशीन है मेरे पास, देखिए अरबा का मशीन है V2+। इसमें जो हेलोजन लैंप जो रहता है, हम आज इसको चेंज करेंगे। अभी ये 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी जो मशीन है उसमें ग्राफ जो आता है वो ग्राफ सही से नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे लग रहा था कि लैंप जो है, हेलोजन लैंप जो रहता है इसमें, उसका प्रॉब्लम हो, तो हम हेलोजन लैंप जो रहती है उसको आज चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से ये लैंप रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ऐसा ये लैंप है, इसको हेलोजन लैंप बोलते हैं, ये मशीन में रहता है। देखिए यहाँ पे जो वार्निंग लगी है वहाँ उसके अंदर ये लैंप रहता है। कभी भी ध्यान रखना, आप अगर खुद अगर लैंप चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मशीन का जो सप्लाई रहता है वो पीछे से बंद करना है, वो जो पिन रहती है वो भी निकाल लेनी है। उसके बाद ही आपने लैंप कभी भी चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। आप भी ये जो लैंप है वो खुद ही चेंज कर सकते हैं, इसको कुछ इंजीनियर की कुछ ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको नहीं बदलाते आता है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ये देख के भी लैंप जो चेंज कर सकते हैं। कभी भी आपकी मशीन में अगर ग्राफ का अगर प्रॉब्लम जा रहा हो, ग्राफ अगर सही से नहीं आ रहा हो, जिगजैग ग्राफ अगर आ रहा हो, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। देखिए पीछे से सप्लाई बंद करते हैं पहले। UPS से कनेक्ट है मेरी मशीन, पीछे से सप्लाई बंद किया और जो पिन जो है वो पिन भी निकाल ली हमने। उसके बाद ही आगे की प्रोसीजर जो हमें करनी है। देखिए वहाँ पे लिखा है, इंस्ट्रक्शन वार्निंग लिखी रहती है। देखिए बिफोर रिमूविंग कवर स्विच ऑफ सप्लाई और सप्लाई, हमने सप्लाई बंद किया है। अभी मैंने लैंप जो है 2 साल पहले, एक डेढ़ दो साल पहले चेंज किया था। ऐसे इसमें ये रहता है। स्क्रू ड्राइवर से आप निकाल सकते हैं उसको, बहुत ही सिंपल रहता है ये लैंप चेंज करना। लैंप निकाल लिया मैंने। देखिए आपको मैं लैंप दिखाता हूँ, ये पुराना लैंप है। देखिए यहाँ से देखिए इसको, देखिए लैंप जो है काला हो गया है, यानी ब्लैक इसके सर्कल आ गया है, काला हो गया है। नहीं, लैंप जो है ऑलमोस्ट, लैंप की जो लाइफ रहती है मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। इसलिए हम जो लैंप है ये काला काला हो गया है, इसलिए वो रीडिंग शायद बराबर नहीं आ रही होगी। हम ये अभी मैं आपको नया जो है लैंप वो दिखाता हूँ एक बार। ये नया लैंप है एकदम, ये PMP किट के साथ में आया था लैंप, ऐसा रहता है। हम इसे अभी बदला, इसमें नया लैंप फिट करेंगे। सिंपली अंदर लैंप को पुश करना है और जो उसकी जो स्क्रू है के स्क्रू जो है अच्छे से टाइट करना है। अब ये हमने इसको लगा दिया है, कवर फिट करेंगे जी। ऊपर
ऊपर का कवर लगा देंगे। अभी हम मशीन ऑन करके देखेंगे, हम अभी स्विच ऑन कर रहे हैं। मशीन थोड़ा वार्म अप होने में थोड़ा देर लेती है। देखिए सभी जो है अभी हार्डवेयर जो है चेक ओके आ रहा है सभी, देखिए यानी हमारा जो लैंप जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एक कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।